हेलो फैमिली, आज हम बनाने जा रहे हैं नाश्ते के लिए एक बहुत अच्छी आइटम जो है स्टफ्ड सूजी का चीला। इसके लिए आपको चाहिए दही, सूजी, बेसन, मसाले, उबले हुए आलू, प्याज और पनीर अगर आप डालना चाहें तो। चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसके अंदर हम लोग ये सूजी डाल लेंगे। 2 कटोरी हमने सूजी ली है और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दही। जो कटोरी हमने सूजी की ली है उसी के हिसाब से हमने दही लेना है और दही हमने पहले आधा डालना है, उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर पूरा डाल लेना है। फैमिली, जितना हमने सूजी ली थी 1 कटोरी में, उसकी आधी कटोरी बिल्कुल हम लेंगे बेसन। बेसन इस बैटर को अच्छे से बाइंड कर देता है, अच्छे से जोड़ देता है, मिक्स कर देता है। अगर कई बार सूजी का बैटर पतला हो जाता है तो उसको ये बाइंड कर देता है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। पानी अपने हिसाब से डाल लीजिए कि ये ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा गाढ़ा ना हो। ये बैटर हमारा तैयार हो चुका है, इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और बनाते हैं स्टफिंग। एक पैन में या कढ़ाई में आप थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, जस्ट एक स्टफिंग बनाने के लिए थोड़ा सा अपने हिसाब से डालिए। इसके अंदर डालेंगे हम जीरा। जीरा हल्का सा जैसे ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर हम डाल देंगे फिर प्याज। प्याज को हम अच्छे से सिर्फ उसको एक हल्का सा गोल्डन कलर देना है, बहुत हल्का सा, ज़्यादा गलाने नहीं है प्याज को। हमने हल्का सा गोल्डन कलर आते ही इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। यहाँ पर हम गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पे और बॉयल पोटैटो को हल्के हाथ से इसको क्रश करके इसमें मिक्स कर। आलू हमारे मैश हो चुके हैं, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। मिर्च अपने हिसाब से कम डालिए क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है। अब डालेंगे हम नमक। नमक अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें डालिएगा। हमने लगभग 1 बड़ा चम्मच और आधा चम्मच नमक डाला है इसमें। अब डालेंगे हम हल्दी। हल्दी इसके अंदर एक अच्छा कलर देगी, थोड़ी सी हल्दी डालनी है इसके अंदर। और अब इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपकी मीडियम रहने दीजिए। आलू के मिक्स होते ही हम इसके अंदर डालेंगे पनीर के छोटे छोटे चंक्स। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। पनीर डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ और बनाएंगे चीला।
अच्छा हाँ, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, कसूरी मेथी थोड़ी सी डालेंगे। फैमिली सूजी ने अपना काम कर दिया है, मतलब फूल चुकी है। इसको एक बार हम ठीक से हिला लेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालिए, वरना मत डालिए, इसको अच्छे से हिला लीजिए। तो अब हम चीला के बैटर को तैयार कर लेते हैं। इसमें डाल लेते हैं नमक स्वाद के अनुसार, आपने स्टफिंग में भी डाला है तो उस हिसाब से इसमें कम नमक डालिएगा, और जो कटे हुए प्याज थे वो डाल लेंगे हम थोड़े से, अच्छे लगते हैं। इसका टेस्ट अगर आएगा चिले में तो आप देखिए एक बार, कमाल टेस्ट होता है। थोड़ी सी बची हुई हरी मिर्च और काली मिर्च। वैसे मैं सोच रहा था अगर थोड़ी सी हींग डाल दी जाए ना तो स्वाद और बढ़ जाएगा। आधा चम्मच के आसपास लगभग हमने हींग डाली है इसमें। नॉनस्टिक तवे पे हल्का सा लगाएंगे रिफाइंड ऑयल। तवा एकदम गर्म होना चाहिए, और जब आप ये बैटर इसके ऊपर डालेंगे तो तवे की फ्लेम मीडियम कर दीजिए ताकि ये जल्दी जले ना। इसको फैला दीजिए डोसे की तरह, जैसे डोसे का बैटर फैलाते हैं तवे पे। ज़्यादा मत फैलाइएगा वरना ये टूटने लग जाएगा, फटने लग जाएगा। इसको फैला के इसको 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दीजिए। लो जी, अब बारी है स्टफिंग की। स्टफिंग को हमने चीले के ऊपर रखना है और फैला देना है, जैसे डोसे के ऊपर फैला देते हैं आलू को, उस तरीके से फैला के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब इस स्टफिंग के ऊपर हम ये चीले का बैटर डालेंगे और आलू की प्याज की जो स्टफिंग है उसको अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हल्का सा ऊपर रिफाइंड ऑयल या देसी घी या बटर, आप जो भी लगाना चाहते हैं वो आप लगाइए। हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है, हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल, और वो हल्का सा लगा के इसको हम पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। सेकने के बाद आपका चीला रेडी है। सो फैमिली, हमारा चीला रेडी है। आप इसको पिज़्ज़ा कटर की मदद से या चाकू की मदद से काट लीजिए, 2 पीस 4 पीस जितने आपको करने हैं उतने पीस कीजिए, और टमाटो केचप के साथ खाइए। ओए होए होए होए, क्या बात है। Thanks for watching our video. Like the video, share this video, and don't forget to subscribe our channel.